आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। यूपी के महाराजगंज से है इस वक्त की बड़ी खबर। उप क्रीड़ा अधिकारी के संरक्षण में ताइक्वांडो खिलाड़ियों से अवैध वसूली, ऑडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। महाराजगंज जनपद के धनेवा स्थित स्टेडियम में विगत 8 वर्षों से खेल नीति की धज्जियां, जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में भ्रष्ट ताइक्वांडो प्रशिक्षकों द्वारा उड़ाई जा रही है। स्टेडियम में ताइक्वांडो प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों से हर माह जमकर वसूली की जाती है, जबकि सरकारी स्टेडियम में किसी भी खेल का प्रशिक्षण लेने के लिए खिलाड़ी को मात्र वर्ष भर में एक बार सदस्यता शुल्क जमा करना पड़ता है। बाकी खिलाड़ियों से किसी भी मद में कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन महाराजगंज स्टेडियम में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने वाले रिजवान अहमद फैजी ने बताया कि स्टेडियम में ताइक्वांडो प्रशिक्षण लेने के लिए सदस्यता शुल्क ₹160 जमा करने के बाद ₹600 अतिरिक्त जिला लगता है, ताइक्वांडो एसोसिएशन का शुल्क लगता है और उसके बाद फिर हर माह ₹300 शुल्क जमा करना होता है। इस बाबत उप क्रीड़ा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने टेलीफोन वार्ता पर जानकारी देते हुए बताया कि स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों से मात्र सदस्यता शुल्क जमा कराया जाता है। ताइक्वांडो खेल के नाम पर अवैध धनुगाही की बात पर अनभिज्ञता जाहिर की और उप क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि अगर ऐसा है तो गलत है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से मोहम्मद मुस्लिम की खास रिपोर्ट। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।